यूनानी टेबल यूनानी टेबल पचासी पैदाइश के मौके पर फर्स्ट टाइम यूनानी कॉलेज यूनानी तिबिया कॉलेज यूनानी जनरल हॉस्पिटल में योम यूनानी मनाया जा रहा है। इसमें एक हफ्ते का प्रोग्राम को खत दी गई है और कई हर एक की कमेटी भी कायम किए गए और जो है फर्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा आज जो रिलीज हो रहा है प्रेस 5 तारीख को 5, 6 और 7 को मेडिकल कैंप्स है और जो तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप कर रहे हैं और हर डिस्पेंसरी में जिसके गवर्नमेंट की तरफ से हमको मेडिसिन भी सप्लाई हो चुके हैं और इसको पब्लिक में अवेयरनेस आने के लिए और ये यूनानी हर कैंप किया गया है और मेगा कैंप यहाँ सिटी में काम करते हैं शमशाबाद में मेगा कैंप कायम किया गया है किशन बाग 8 तारीख के दिन बच्चों के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन है 9 और 10 को साइंटिफिक सेमिनार्स हैं। साइंटिफिक सेमिनार्स में 2 सेशन है और इसमें हम बच्चों के पूरे हिंदुस्तान से जो पेपर्स आएंगे उनको हम सेलेक्ट करके जो है उसको पेश करेंगे जिसमें 2 लंच हैं और जो है 4 टी ब्रेक्स हैं। 9 तारीख के दिन 10 के दिन ब्रेकफास्ट है क्योंकि वहाँ रन है यहाँ से निज़ामिया तिब्बी कॉलेज से अफजलगंज तक एक यूनानी रन है यानी पूरे डॉक्टर्स को 7 बजे से उधर जाना है और 11 तारीख के दिन इनॉग्रेट फंक्शन है और उसमें अवार्ड दिए जाएंगे और गेस्ट आएंगे। तकरीबन हमको उम्मीद है कि 500-600 से लेकर 1000 तक मधुबनी शिरकत करेंगे और जिसमें शामिया वैलिडेटरी फंक्शन है और बच्चे जो भी हमारे उनके टैलेंट को पेश कर रहे हैं उनको अवार्ड दिए जाएंगे। कमी है यहाँ पर देखिए बजट की बहुत खिल्लत है, दवाओं की खिल्लत है जिसकी वजह से निज़ामिया का वक़ार है जो निज़ामिया सदर शिफा खाना जो एशिया में सबसे बड़ा कॉलेज बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर कई लोग हिंदुस्तान से हर जो नाउमीद हो के मॉडर्न साइट से यहाँ पर शरीक होते हैं। इनके दवाओं की सही सप्लाई नहीं है, अगर दवाओं की सही सप्लाई हो तो यहाँ दवाखाना बहुत ही आगे तरक्की कर सकता और यहाँ पर सर्जरी को भी हम बहुत अवॉइड करते हैं यानी गायनिक वार्ड हमेशा फुल रहता है। यहाँ जो भी मॉडर्न साइड में सर्जरी है वो लोग परेशान होकर जब इधर आते हैं तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और तकरीबन शिफायाब होकर जाते हैं। एक रेजिमेंटल थेरेपी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और तकरीबन यहाँ पर गरीब पेशेंट आते हैं इनको दवाओं की बहुत किल्लत है, दवाओं के वजह बजट का इजाफा होना चाहिए, बजट टाइम पर सप्लाई होना मेडिसिन टाइम पर सप्लाई होना चाहिए। तकरीबन 1 साल एक साल से तो बंद है यहाँ पर काम नहीं कर बंद हो गए और ये जो बिल्डिंग का भी मसला है बिल्डिंग डिमोलिश होकर तकरीबन 1.5 साल हो रहा है उसमें काम अभी तक नहीं शुरू हुआ जबकि बजट आके है यानी बॉयज़ हॉस्पिटल का और नीचे जो है बिल्डिंग के लिए ओपी ब्लॉक के लिए जो बजट आके हैं वो भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ जबकि हम बॉयज़ हॉस्टल के लिए 72,000 पर मंथ रेंट देते उसका भी बजट ऑलरेडी आके है लेकिन वो अभी तक कंस्ट्रक्शन क्या प्रॉब्लम है हुकूमत के हमको मालूम नहीं और अभी तक काम नहीं शुरू हुआ इसलिए यहाँ हॉस्पिटल के लिए फंड्स की सख्त ज़रूरत है यहाँ पर।